कोरोना की चपेट में बच्चे। रविवार को जिले में मिले 9 कोरोना संक्रमितों में एक ही परिवार के 2 स्कूली छात्र। स्कूलों एवं कोचिंग सेंटरों में कोरोना से बचाव के लिए दिए गए निर्देशों का अनुपालन होने की होगी जांच। कोचिंग सेंटर संचालक ने पहले रोका, फिर बताया प्रॉपर गाइडलाइन का हो रहा है पालन। जैसे ही हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आया है सर, ठीक है, वी हैव इमीडिएटली हम लोगों ने क्लासेस सारा सस्पेंड कर दिया, ठीक है। अभी सारा कुछ जो भी है वो वापस से ऑनलाइन मोड पे अभी कंटिन्यू हो गया है सर, ठीक है। एंड अभी हमारा सैनिटाइजेशन प्रोसेस का कंप्लीट एक बार होना है, तो वो अंडर प्रोसेस है, वो भी आज रात में स्टार्ट हो जाएगा सर। अभी क्या है सर, आगे के लिए हम लोग ये कर रहे हैं कि जितने भी स्टूडेंट हैं, स्टाफ हैं, जब तक उनको क्या होगा कि कोविड रिपोर्ट आने के बाद ही फिर दोबारा से ये स्टार्ट होगा सर। अभी बच्चे हैं जो उनके साथ पढ़ रहे थे, उन सबको गाइडलाइंस दे दिया गया है कि वो अपना कोविड टेस्ट कराएंगे सर। देश में एक और जहां ओमिक्रॉन तेजी से अपने पांव पसारने लगा है, उसका खतरा कोयलांचल में भी बढ़ गया है। हालांकि पूरे राज्य में ओमिक्रॉन के एक भी संक्रमित का पता नहीं चला है, लेकिन जिस तरह पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल के साथ साथ दूसरे राज्यों में इसके मरीज मिलने लगे हैं, अगर हम सचेत नहीं हुए तो चपेट में आने की पूरी संभावना है। धनबाद में रविवार को मिले 9 संक्रमितों ने भी प्रशासन के कान खड़े कर दिए। इसके तहत एक और जहां उन्हें SNMMCH के कैथ लैब में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, वहीं जिस स्कूल और कोचिंग इंस्टीट्यूट में वो पढ़ रहे थे उसकी भी जांच कर सैनिटाइजेशन के लिए बंद कराए जाने के संकेत दिए हैं। 18 साल से नीचे के बच्चों को कोरोना रोधी टीका लगाने का अब तक केंद्र सरकार ने किसी तरह का निर्देश जारी नहीं किया है। वैसी स्थिति में धनबाद में रविवार को एक ही परिवार की माँ और उसके 2 स्कूली बच्चों के पॉजिटिव पाए जाने से स्वास्थ्य विभाग के कान खड़े हो गए। धनबाद की कोविड सर्विलांस टीम बच्चों के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की बारीकी से जांच कर रही है, साथ ही वे जिस स्कूल या कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे थे उसकी जाँच कर उसे सैनिटाइज करने के लिए आगे कुछ दिनों तक बंद कराएगा। स्वास्थ्य विभाग ये मान रहा है कि कोचिंग सेंटरों एवं स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की जांच की जाएगी, ताकि यदि उनके संपर्क में आया हो तो कोरोना के प्रसार को रोका जा सके। इस संदर्भ में दोनों संक्रमित बच्चे सरायडेला स्थित कोचिंग सेंटर आकाश में पढ़ने वाले सेंटर में जब मीडिया की टीम पहुंची तो पहले वहां उपस्थित इंस्टीट्यूट के पदाधिकारी ने कुछ भी बताने से मना करते हुए उन्हें कैमरा बंद करने को कहा, लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि स्वास्थ्य विभाग के हवाले से हमें ये पता चल गया है कि दोनों संक्रमित स्कूली बच्चे वहीं पढ़ते थे, तो फिर उनका मिजाज ठंडा हो गया। तुरंत उन्होंने बताया कि जैसे ही उन्हें जानकारी मिली तुरंत सभी कक्षाओं को स्थगित कर दिया गया। यही नहीं, आज रात में सेंटर को सैनिटाइज करने का काम भी किया जाएगा, साथ ही उन दोनों बच्चों के साथ पढ़ने वाले सबों का टेस्ट भी कराया जाएगा। काफ़ी दिनों के बाद हमारे यहाँ करीब 9 एक्टिव केस एक साथ मिले हैं, इसमें से कि मैक्सिमम जैसे एक पूरा फैमिली है 3 लोगों का, उसमें 2 बच्चे हैं 16 साल के और एक उनकी वाइफ हैं, ये तीनों लोग पॉजिटिव हैं। तो और एक है ग्रुप जिसमें 4 लोग हैं, एक ही घर से हैं, वो लोग भी 4 लोग हैं। तो इस 4-3-7 आदमी एक मतलब 2 जगह से मिले हैं, और एक कोई नवादा का कोई पैसेंजर था और एक बंगाल का। तो सारे लोगों को ट्रेस किया जा चुका है, करीब 9 में से 8 आदमी हमारे पास एडमिट हो चुके हैं। एक आदमी बचे हैं जिनका कि मोबाइल नहीं लग रहा, फिर भी हम लोग उनको ट्रेस कर रहे हैं, और अब आगे देखते हैं कि उसका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी हम लोग करवा रहे हैं। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में कहाँ कहाँ बच्चे कहाँ पढ़ते थे, किस स्कूल में पढ़ते थे, कहाँ कोचिंग में जाते थे, वो सारी जानकारी लेने के बाद सभी को सैनिटाइजेशन के लिए करवाया जाएगा। तो नई स्कूल में भी जिस स्कूल में बच्चे जा रहे हैं वहाँ से भी कैरियर हो सकते हैं? मे भी वहाँ से भी कैरियर हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकता है। हल्कि जो भी स्कूल होगा उसको हम लोगों ने बोला है कि सैनिटाइजेशन के लिए कम से कम 2-3 दिन तो उसको बंद करना ही पड़ेगा। पूरा सैनिटाइज करवाने के बाद ही उसको हम लोग ओपन करवाएंगे।